सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला चल रहा है। आज मौनी अमावस्या है। संगम तट पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मेले में श्रद्धालु साधुओं की संख्या और सुरक्षा भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। मौनी अमावस्या आज, संगम में स्नान के लिए उमड़ा जनसैलाब, श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। इस दिन दान पुण्य का है विशेष महत्व। प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला चल रहा है। माघ मेला का तीसरा प्रमुख स्नान पर मौनी अमावस्या 21 जनवरी यानी आज है। आज के दिन संगम तट पर स्नान को शुभ माना गया है। इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व होता है। दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की संगम तट पर देर रात से श्रद्धालुओं की भीड़ शुरू हो गई थी। कड़ाके की ठंड, हल्की सी बारिश के बावजूद मेला क्षेत्र में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला है। पुण्य की कामना से लोग हर हर गंगे के बोल लगाते हुए संगम में डुबकी लगा रहे हैं। भक्त जन संगम में स्नान कर आध्यात्मिक लाभ उठा रहे हैं। अभी तक तकरीबन 25 लाख लोग संगम पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। मौनी अमावस्या का नहान 21 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। आज के दिन का विशेष महत्व पड़ रहा है क्योंकि सुबह 2:23 से अमावस्या लग रही है और यह अमावस्या जो लग रही है वो मकर राशि में लग रही है। मकर राशि शनि देव प्रधान कुंडली है, यानी शनि देव का ही घर है। और ये दिन भी सैटरडे का पड़ा, यानी कि शनिवार का। इसलिए आज के दिन इस अमावस्या का विशेष महत्व आ रहा है। मौनी अमावस्या का मतलब होता है मौन रह के अगर हम अपने पितरों को याद करते हैं, दान पुण्य करते हैं, गंगा नदी में नहाते हैं, तो हमारी की हुई गलतियों का हमें पश्चाताप होता है। मौन रहते हुए अपने इष्ट का ध्यान करना, अपने गुरु का ध्यान करना, और गुरु का ध्यान करते हुए दान पुण्य करना, गंगा नदी में नहाना। और जितनी बार हम गंगा में डुबकी लगाएंगे, वैसे 7 बार डुबकी लगाने का विशेष महत्व होता है, और जब हम गंगा नदी में डुबकी लगा रहे हों उस समय शनि देव का ध्यान करें। ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का अगर हम जाप करते हैं तो शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस कुंडली में शनि संबंधी दोष हो, राहु संबंधी दोष हो, पितृ संबंधी दोष हो, उन जातकों के लिए भी आज के दिन दान पुण्य करना और गंगा नदी में नहाना विशेष करें। गंगा माँ की बहुत बड़ी महत्व है। यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी आए थे, वही तभी से यहाँ की महत्ता है इसकी। हाँ, 5 बार गंगा माँ का पैर छू के तब आचमनी करके फूल माला लेकर के तब उसमें 5 डुबकी लगाती हूँ, मौन धारण करके गंगा माँ का स्पर्श करके। आजकल अन्नदान है। गंगा मैया से कामना है कि मेरा भारत सुखी रहे। मान्यता इसकी यह है कि माघ मास में लोग यहाँ प्रयागराज में आ करके कल्पवास करते हैं और यहाँ मौन होकर के मौनी अमावस्या को स्नान करते हैं और ये माघी पूर्णिमा तक स्नान करके फिर ये पुनः जो अपने अपने स्थान को लोग चले जाते हैं। दान, अन्नदान होता है, वस्त्रदान होता है, गोदान होता है, जिससे जो हो सके वो अपना संगम में आकर के अपने शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को दान देता है। मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं राजीव नारायण मिश्रा, पुलिस प्रभारी माघ मेला, ने बताया कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके मद्देनजर संपूर्ण मेला क्षेत्र में स्नान घाटों की संख्या बढ़ाई गई है, साथ ही साथ सर्कुलेटिंग एरिया को भी बढ़ाया गया है। जी, आज माघ मास का मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान पर्व है
और एक दिन पूर्व से ही आप देख रहे हैं लगातार लाखों लाख श्रद्धालु संगम तट पर और अन्य स्नान घाटों पर आकर स्नान कर रहे हैं और वापसी भी और स्नान के उपरांत उनके अपनी गंतव्य को वापसी भी प्रारंभ हो चुकी है। हम लोगों ने सुरक्षा के सम्यक उपाय करते हुए जल में भी थल में भी सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं। अगर हम थल में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयाँ यहाँ पर व्यवस्थापित हैं, जिसमें नागरिक पुलिस के लोग, घुड़सवार पुलिस, यातायात पुलिस, महिला पुलिस, इंटेलिजेंस की टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, एएस चेक टीम्स, ये सारी टीमें व्यवस्थापित हैं। जल में जब ये सारे श्रद्धालु सुरक्षा जब अपनी डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए भी हमने व्यापक बंदोबस्त किए हैं। सारे घाटों पर, सारे स्नान घाटों पर रिवर लाइन्स, डीप वाटर बैरिकेटिंग और जाल की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की गई हैं। इसके साथ ही रिवर लाइन के साथ साथ फ्लड कंपनी के जवान जो प्रशिक्षित तैराक होते हैं उनका व्यवस्थापन किया गया है। SDRF की टीमें मौजूद हैं, NDRF भी हमारे पास व्यवस्थापित है, NDRF के जवान भी जल में मौजूद हैं। रिवर लाइंस के साथ साथ एक हम लोगों ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी अनुरोध किया है कि रिवर लाइन के बियॉन्ड जाके लोग स्नान ना करें। एक रिवर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी है, फ्लोटिंग पुलिस चौकी की व्यवस्था भी जल में की हुई है और कंट्रोल ICCC के माध्यम से हम लोग पूरे मेले में नजर रख रहे हैं। मेला क्षेत्र में किसी भी तरह की असुविधा ना हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का जाल फैलाया गया है। CCTV, ड्रोन, जल थल, पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल के जवान निगाह पैनी कर रहे हैं। आस्था और धर्म की नगरी कहे जाने वाली संगम नगरी का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माघ मेले का तीसरा स्नान पर्व मौनी अमावस्या है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जिस समय लाखों के हुजूम में यहाँ पर श्रद्धालु चले आ रहे हैं और गंगा मैया की आस्था और उत्साह इन लोग में देखने को मिल रही है। संगम तट में लाखों लोग अब तक में डुबकी लगा चुके हैं। बात करें घाट की सुरक्षा की तो घाट की सुरक्षा के लिए घोड़सवार, जल पुलिस, डी वाटर बैरिकेटिंग के साथ साथ NDRF की टीम साथ में सभी जहां महिलाएं कपड़ा बदल रही वहां पे महिला पुलिसकर्मी के साथ साथ ATS के जवान और आपको बता दें PSC के जवान, NDRF की टीम, ये सभी और साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी पूरे मेले की निगरानी की जा रही है। बता दें कि आज मौनी अमावस्या के पर्व पे जो भी श्रद्धालु मौन रह के डुबकी लगाता है और दान पुण्य करता है उसको अमृत स्नान पर पुण्य की प्राप्ति होती है, लाखों लाख पुण्य की प्राप्ति होती है। आशीष भट्ट, प्राइम TV, प्रयागराज। फिलहाल प्रयागराज से हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।